दोस्तों 90 के दशक की खूबसूरत और अपनी अदायगी के लिए दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना अपनी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और अपनी अदायगी के लिए तो काफी ज्यादा मशहूर है ही, साथ ही ये अपनी खूबसूरती के लिए भी दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं, जहां आज भी दर्शक इनकी खूबसूरती और उनकी अदायगी को भुला नहीं पाए हैं। लेकिन दोस्तों भले ही आप ट्विंकल खन्ना से अच्छी तरह वाकिफ हो, आज भी इनकी रियलिटी दर्शकों से छुपी हुई है और इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टैलेंटेड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना की रियलिटी से ही रूबरू करवाने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस बेहतरीन अदाकारा के लिए एक लाइक तो बनता है। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा ट्विंकल खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1974 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था और इनकी सारी पढ़ाई मुंबई से पूरी हुई है। ट्विंकल खन्ना के पिता राजेश खन्ना प्रोफेशन से एक्टर थे, जिसके चलते ट्विंकल खन्ना के पिता चाहते थे कि वो भी इन्हीं की तरह एक सक्सेसफुल अभिनेत्री बने और उनके पिता ने शुरुआत से ही इन्हें इनकी एक्टिंग की दुनिया में जाने के लिए काफी ज्यादा सपोर्ट किया था और इन्होंने भी अपने पिता की बात को मानकर एक्टिंग की दुनिया में आने का फैसला कर लिया था, जिसके चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद अपने पिता की बात को मानते हुए एक्टिंग की दुनिया में आने का फैसला कर लिया और अपने पिता की मदद और अपनी काबिलियत के दम पर साल 1995 में बरसात फिल्म से अपना डेब्यू किया था और इसी के बाद बॉलीवुड में ट्विंकल खन्ना के चर्चे होने लगे। इस फिल्म के बाद इन्हें कई फिल्मों के ऑफर्स आए, जिनमें इन्होंने साल 1996 में जान और जोली नंबर 1 जैसी कई फिल्में शामिल हैं, पर कुछ फिल्में देने के बाद ही अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने उसके बाद की जो भी फिल्में दी उनकी वो फिल्में फ्लॉप साबित हो गई और इसके बाद इनकी जो भी फिल्में आती थी वो एवरेज या सेमी एवरेज ही जाती थी या फिर फ्लॉप साबित हो जाती थी। तभी साल 2000 के दौरान इन्हें फिल्म मेला में काम करने का मौका मिला था और मेला फिल्म के दौरान अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना का नाम अभिनेता अक्षय कुमार के साथ जोड़ा गया था। हालांकि अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनसे शादी रचाना चाहते थे और इसी बीच ट्विंकल खन्ना से शादी करने के लिए पूछा तो ट्विंकल खन्ना ने उनसे शादी करने के लिए उनके सामने एक शर्त रख दी और वो शर्त थी कि उन्होंने बोला कि अगर मेला फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार से शादी रचा लेंगी। और फिर हुआ यही कि अक्षय कुमार की भगवान ने सुन ली और ट्विंकल खन्ना की मेला फिल्म फ्लॉप साबित हो गई, जिसकी वजह से ट्विंकल खन्ना ने साल 2001 में अभिनेता अक्षय कुमार से शादी रचा ली और अपने एक्टिंग करियर से दूरी बना ली। और आज अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना बुक राइटर के तौर पर जानी जाती हैं, जिनसे इनके आज दो बच्चे हैं। जी हाँ, इनके बेटे का नाम आरव कुमार है और इनकी बेटी का नाम नितारा कुमार है। वहीं आपको बता दे, अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना अपने बच्चे और अपने पति से बेहद प्यार करती है और फिलहाल दोनों बच्चे और अपने पति अक्षय कुमार के साथ अपनी गृहस्थी को काफी अच्छे से संभाल रही है। तो दोस्तों, अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना की इस रियलिटी को जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।